शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जुनैद बेटा, तुमने शराब पीनी शुरू कर दी है, ये बॉटल किसकी है? वो अब्बू अपने आखिरी वक्त में पीने लगे थे, तो उनकी है। जब से भाईजान का इंतकाल हुआ है, मानो ये घर काटने को दौड़ने लगा है। 3 महीने हो गए भाईजान के गुजरे हुए, और तुमने बताया नहीं कि तुमने क्या सोचा है। वो मैंने मुंबई में बात करी है, यही गांव का एक दोस्त है, उसका सैलून है वहां पे, तो अगले हफ्ते वहीं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुझे कोई दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, तू बस मेरे साथ अलीगढ़ चलेगा चुपचाप से। फूफी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। ये तो क्या कह रहा है, भला अपने बच्चों से कोई परेशान होता है क्या? ठीक है फूफी, मैं चलता हूँ आपके साथ। अब खुश? मेरा बच्चा। चाय तो पीजिए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम अनीशा, कैसी है तू? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत अच्छा। अरे अब सारी बातें यहीं पे कर लोगी या अंदर भी आने दोगी? आ जाओ बेटा, आज से तुम इसी घर में रहोगे। और हाँ, दिल्ली मुंबई जाने की तो बात भी मत सोचना। अरे अच्छा खासा घर है, फिर तुम्हें कहीं जाने की क्या जरूरत है? हाँ, और हाँ एक बात और, बैठो। ये कभी मत समझना कि तुम्हारे अम्मी अब्बू इस दुनिया में नहीं है। अपने आप को तन्हा कभी महसूस मत होने देना, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारी अम्मी और अब्बू की जगह पे। हाँ, ये लीजिए पानी। अनीशा बेटा, वो अंदर से थैला लेके आओ, मुझे बाजार से सब्जी लाना है। अम्मी अभी तो आप आए हो, था कि अरे बाद में चले जाना। अरे नहीं नहीं बेटा, बाद में बाजार में बहुत भीड़ हो जाती है, जा थैली लेके आ। ठीक है, ये लीजिए आपका झोला। क्या हुआ? हाँ वैसे अनीशा, बहुत बड़ी हो गई तू है, निकाह करने लायक हो गई अब तो। इतने सालों बाद देखोगे तो ऐसे ही लगेगा ना। ये बात तो है, पर लगता है जैसे कल की बात है। तू और फूफी गांव आया करते थे, हैं? तुझे याद है हम कितनी मस्ती करते थे? मस्ती तो बहुत करते थे हम। मामू दिन भर डांटते थे कि तुम लोग रहते कहाँ पूरा दिन। सिर्फ डांटते ही नहीं थे, कभी कभी याद है ना। तुम्हें कितनी मार पड़ी थी जब तुमने उस इमरान का सर फोड़ा था। वो मार कैसे भूल सकता हूँ, मुझे आज तक याद है। पर सही क्या था मैंने इमरान के साथ, तुम्हें छेड़ रहा था यार। वो कोई छेड़ नहीं रहा था, उसने सिर्फ इतना कहा था कि उसे अच्छी लगती हूँ मैं। हाँ तो वो छेड़ना ही हुआ ना। खैर छोड़ो, ये बताओ कि अभी भी उतना ही गुस्सा करते हो या कुछ कम हुआ है? नहीं अब नहीं करता। मतलब जनाब की उम्र के साथ साथ अक्ल भी आ गई। ओफो, एक बिस्किट भी नहीं खा सकते सही से। लो। अनीशा,
सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बस आपके घर के तरफ ही आ रहा था। अच्छा, वो काफी दिन हो गए ना आपसे मिले नहीं, तो सोचा मिलाऊं। अच्छा, लाइए थैला दीजिए। वैसे आप आज कारखाने नहीं आए थे? हाँ बेटा, वो गाँव गई हुई थी। लेकिन तू कारखाने कब गया? तेरे अब्बू तो कह रहे थे कि ये तेरा इम्तिहान चल रहा है। अरे मुझे अब्बू से कुछ पैसे लेने थे, वो कोचिंग के फीस के लिए। मैं कारखाने गया था तो आप मुझे वहाँ पे दिखे नहीं, इसलिए पूछा। और मेरे इम्तिहान तो खत्म हो गए कल ही। अरे वाह, कैसे हुए इम्तिहान तेरे? बहुत अच्छे गए। अच्छा, वो अनिशा तुझसे बहुत नाराज है, वो उस वाले बात को लेकर के। अनिशा? हाँ। उसे मैं मना लूंगा। अरे वो था ना, क्या नाम था उसका, राशिद, उसका क्या हुआ, कहाँ है वो? वो तो मुंबई में है ना, सैलून खोल दिया उसने अभी। हाँ। वही जाने वाला था मैं तभी। असलम, अनिशा बेटा असलम के हाथ से थैला ले ले। जी अम्मी। अरे अनिशा बात तो सुन। असलम बैठो बेटा। असलम बेटा ये जुनैद है, आज ही गांव से आया है, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। सलाम भाई। सलाम। जिस कारखाने में मैं काम करती हूँ ना बेटा, उसी कारखाने में इसके अब्बू मैनेजर हैं। शकील भाई के बड़े एहसान हैं हमारे ऊपर, बुरे वक्तों में बहुत काम दिया उन्होंने मेरा। अरे अनिशा पानी तो ला असलम के लिए। पानी खत्म हो गया अम्मी, और अब असलम में यहाँ क्यों आए हैं? उरुस तो पिछले संडे को ही खत्म हो गया था, इनसे कहिए अपने घर जाएं। अरे क्या पागल हो गई है क्या? अरे रहने दीजिए आंटी, लगता सच में बहुत गुस्सा है, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है बेटा। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, बस ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। बहुत ज्यादा नाराज हो क्या? अरे पापा सॉरी, देखो मैं कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ। हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें उरुस दिखाने के लिए नहीं ले जा पाया, मेरे एग्जाम्स थे, मैं इसलिए नहीं आया ना। लेकिन पक्का आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे। ओके ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। कैसी लगी? अच्छा तो आप लॉकेट देकर मनाना चाहते हो? जब तक मुझे उरुस नहीं दिखाओगे ना मैं गुस्सा ही रहूंगी। अरे बाबा आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम लेके जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। ओके अरे अब तो गुस्सा थूक दो यार, और ये मुझे पहन के बताओ। कैसे पहनूंगी मैं ये, खुद से पहना दो। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अभी मैं चलता हूँ, संडे को आऊंगा। चाय तो पीते जाओ। नहीं नहीं बस अभी निकलता हूँ, घर जाना। चलो चलिए आंटी अभी मैं निकलता हूँ घर। अरे चाय तो पके जा। अनिशा बेटा तूने चाय नहीं बनाई क्या? अरे तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, अभी अब्बा मेरी राह देखते होंगे घर में, तो मैं अगली बार आके पी लूंगा। चलिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय। Thank you.
मॉर्निंग। चाय लेके आई। गुड मॉर्निंग। तो आप ये चाय पी लो, ठीक है? अनीशा, मैं काम पे जा रही हूँ। आप चाय पी लेना, ठीक है? अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि आप नाश्ता अभी करोगे या थोड़ी देर बाद? जैसा। अरे, ये कैसा सवाल है? नाश्ते के वक्त में नाश्ता नहीं दोगी तो क्या खाने के वक्त में नाश्ता दोगी? और ये क्या अच्छा लगा रखा है, भाईजन बोलने में शर्म आती है क्या? जी अम्मी। जुनैद बेटा, तुम नहा धो के नाश्ता कर लेना और जरा बाहर घूम आओ, दिल बहल जाएगा। हुँ? जी। नहीं यार, मुंबई का प्लान तो कैंसिल है। हाँ तो फूफी के घर पे रहूंगा, यही जॉब। चल मैं तुझे कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। सोफिया बाजी, रुकिए ना, मैं भी चल रहा हूँ, चलिए। अरे शकील भाजन, आज आपकी मोटरसाइकिल कहाँ है? सर्विसिंग के लिए दी है, कल मिलेगी। अच्छा बाजी, असलम बता रहा था कि आप अपने भतीजे को गांव से लाइए। हाँ, जुनैद को लेकर आ गई, वहाँ बहुत अकेला हो गया था। और फिर यहाँ है ही कौन हम माँ बेटी के अलावा, सोचा इसी बहाने उसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मेरे बेटे की भी कमी पूरी हो जाएगी। भाजी, जुनैद को अगर अकाउंट का काम आता है तो उसे कारखाने ले आइए, मैं काम पे लगा देता हूँ उसे। भाईजन, अभी उसके अब्बू को गुजरे बस 3 महीने हुए, अभी तक वो गम नहीं है, थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो उसे लगवा दूँ। ये बात भी सही है, चलिए मैं अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय पी। अरे नहीं नहीं, बहुत देर हो जाएगी। काहे की देर हो जाएगी, पास में तो घर है आपका। हाँ चलिए चलिए। I love you. सलाम भाईजान। सलाम, क्या काम है? कुछ नहीं, बस जा रहा था यहाँ से तो सोचा मिल लूँ। फूफी तो है नहीं घर पे, शाम को आना। अच्छा तो अनीशा तो होगी ना, मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना? अरे बड़े बेगरत आदमी हो यार, वो सो रही है अभी, उठेगी तो बता दूंगा। और अब जब फूफी आए तभी आना। अरे भाईजान, भाईजान, कौन था दरवाजे पे? कोई नहीं, वो असलम आया था मिलने के लिए।
भगा दिया। भगा क्यों दिया उसे? एक बात पूछूं? हाँ पूछिए भाईजान। तेरा और वो असलम का कोई चक्कर चल रहा है क्या? अब क्या बोल रहे हैं भाईजान, ऐसा कुछ नहीं है, बचपन की दोस्ती है हमारी, वो दिल का अच्छा बंदा है। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं भाईजान? कुछ नहीं बस ऐसे। अरे बात बात पे भाईजान भाईजान बोलना बंद कर। क्यों क्यों ना बुलाएं आपको भाईजान? ये लीजिए बाजी, शकील के हाथ की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लीजिए, पीजिए। अरे भाईजान, आप कब तक यूं ही काम करते रहेंगे, घर संभालते रहेंगे? मेरा मानना है कि असलम के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लीजिए। वैसे भी असलम का इम्तिहान भी खत्म हो चुका है, अगर आप कहें तो उसके लिए कोई माकूल रिश्ता देखूं? भाजी वही बात करने के लिए तो मैं आपको यहाँ लाया हूँ। अच्छा तो कोई लड़की देख रखी है क्या भाईजान? हाँ देखी तो है। वालेकुम सलाम। ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, वैसे तुमको कैसे पता कि मेरी फेवरेट चॉकलेट है? असलम के हाथ पे देखी थी मैंने। अच्छा जी, वैसे आजकल मेरा इतना ख्याल क्यों? वो मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रहा था पर हिम्मत नहीं हो रही है। अरे भाईजान, इसमें हिम्मत वाली कौन सी बात है? बस आप उस लड़की का नाम बताएं मुझे, बाकी सब काम मेरा। वैसे कौन है वो लड़की? बाजी मैं सोच रहा था कि मेरा लड़का असलम और आपकी लड़की अनिशा का निकाह कर दिया जाए तो, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। अरे भाईजान, इसमें एतराज वाली कौन सी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरी बच्ची बड़ी खुश नसीब है जो आपके घर में आएगी। चलो अच्छा हुआ, मैं खामा का डर रहा था कहीं आप नाराज ना हो जाए। अच्छा चलो हम वादा करते हैं कि हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे, पर अब बताओ तो कि तुम कहना क्या चाह रहे थे? पक्का पक्का प्रॉमिस, बट अब बोलो। बात ये है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे बचपन से, और अब तो तुम रातों में मेरे सपने में भी आने लगी हो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा निशा, बस तुम्हारे हाँ का इंतजार। मेरी तो हाँ ही है भाईजान, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए मैं ये चाहती हूँ कि एक बार असलम मियां से भी पूछ लेते। बाजी असलम तो बचपन से ही अनिशा को चाहता है, मोबाइल में उसकी फोटो लेके घूमता है। कल मैंने अनिशा की फोटो देखी उसके मोबाइल में, और फिर मैंने उसे पूछा, उसने ही मुझे बताया कि वो अनिशा से प्यार करता है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, दोनों बचपन से एक साथ थे, मुझे भी इस बात का एहसास था। अनिशा सुनेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि अनिशा भी असलम से बहुत प्यार करती है। चाहते तो हम भी बहुत हैं आपको जुनैद मियां, बस इंतजार कर रहे थे कि आप कब इजहार करें। सच? हाँ। आ, आ? सॉरी। तुम्हारे होंठों पे चॉकलेट लगी। तो खुद ही पहुंच दो। हाथों से या जैसे तुम चाहो।
अरे तुझे बेटा बना करके इस घर में लाई थी, सोचा था अनिशा का बड़ा भाई होने का फर्ज पूरा करोगे, लेकिन तुम दोनों तो आपस में ही बेशर्मी की हद पार कर चुके हो। फूफी बेटा नहीं तो दामाद बनकर रह लूंगा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आप हम दोनों का निकाह करा दीजिए, अनिशा भी ये चाहती। हाँ मैं। चुप कर बेशरम, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या? हाँ मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि मैं शकील भाई को क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी उनसे। खैर उन्हें तो संभाल लूंगी मैं, लेकिन तू, तुझे तो बहुत पड़ी है ना निकाह करने की, तो निकाह से पहले कुछ काम धंधा शुरू करेगा, कैसे ख्याल रखेगा अनिशा का? फूफी नौकरी की टेंशन है ना आपको, तो नौकरी में ढूंढ लूंगा, और सिर्फ अनिशा का ही नहीं आपका भी ख्याल रखूंगा, आप दोनों का ख्याल रखूंगा। तू तो मुझसे बात ही मत कर। फूफी अगर अब्बू आज जिंदा होते और वो मेरी जगह अनिशा का हाथ मांगने आते तो आप उन्हें भी मना कर देती। ठीक है ठीक है, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मुझे सोचने का वक्त दो। जैसा आपको अच्छा लगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ क्या कहूँ। जुनैद के अब्बू ने मरने से पहले एक मुझसे वादा लिया था कि अनिशा का निकाह जुनैद के साथ ही करूँ, और कल इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा, लेकिन घर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। माफ़ कीजिएगा भाईजान, असलम और अनिशा का निकाह नहीं हो सकता। बस मैं माजरत चाहती हूँ आप लोगों से। जुनैद बेटा। हाँ फूफी आया, बस एक मिनट। ओफो अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी करो वरना अम्मी पूरे मोहल्ले को चिल्ला चिल्ला के बता देंगी तुम आज काम पे जा रहे हो। ये क्या कर रहे हो, अम्मी ने देख लिया तो? अच्छा दिखाने के लिए अब छुपा क्या है? वैसे मेरे ऑफिस का ना आज पहला दिन है तो मैं सोच रहा था कुछ स्पेशल। ज्यादा रोमांटिक होने की ना जरूरत नहीं है, अभी इससे काम चलाओ बाकी बाद में। जुनैद जल्दी करो, लेट हो रहे हो, बैग लो जाओ जल्दी। आया, फूफी आया। बाय बाय। चलिए फूफी। हाँ चल। हाँ बड़े मूड में आज, पता है क्यों? क्योंकि आज जनाब की पहली सैलरी आई है। अरे वाह, मिल गई तुम्हारी सैलरी? हाँ मिल गई। मेरे लिए कुछ नहीं लाए? तुम्हारे लिए कुछ लाना था क्या? नहीं कुछ नहीं लाना था, तुम ना मुझसे बात ही मत करो। अरे बात पता नहीं, आज ऑफिस में कोई मेरे बैग में अपना नया फोन छोड़ गया, यही चाहिए था ना तुम्हें। ऐसा हो सकता है क्या कि तुम कुछ सोचो और मैं ना लाऊं? कैसा लगा? बहुत अच्छा, आई लव यू। बस आई लव यू? तरह हो यार। तुमने दारू पी है? स्मेल आ रही है। अरे नहीं, मेरा मतलब हाँ अब्बू की याद आ रही थी थोड़ी, पी ली। छोड़ो यार मूड खराब मत करो जरा। नहीं पहले प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी नहीं पियोगे। अच्छा प्रॉमिस, नहीं पियूंगा। अब तो आ जा।
अब रख भी दो फोन। हाँ बस 5 मिनट। तुम कैसे हो? बस अच्छा हूँ। हम अभी भी दोस्त हैं या दोस्ती खत्म? नहीं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। क्या चल रहा है निशा? जब से तुम्हारे हाथ में फोन आया तुम मुझे भूल ही गई हो। क्या करती क्या रहती हो फोन में? रख दिया फोन। खुश? अच्छा पापा सॉरी, तो मान जाओ। सब गए काम पर? नहीं बस जा रहे। अनीशा मेरा टिफिन देना। वही किचन में रखा है, ले लो। तुम कॉलेज नहीं गए आज? नहीं, आज मूड नहीं था तो नहीं गया। यार अनीशा हाथ धोती है यार, जब देखो तुम फोन पे लगी रहती हो। टिफिन लाके तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। निशा, पानी देना। बस अभी आई। रात फोन में चिपकी रहती है, आज किस्सा ही खत्म कर। अरे टेंशन ही खत्म। पागल हो गए हो क्या तुम? ये क्या किया तुमने? तुमने फिर से दारू पी है? अच्छा, मैंने दारू पी है वो दिख रहा है, खुद के ढंग नहीं दिखते। दिन रात अपने वो यार असलम से चिपकी रहती है फोन पे ना, उससे बात करती है ना तू। क्या बोल रहे हो तुम जुनैद? क्या हो क्या? क्यों इतना शोर शराबा हो रहा है? देखो अम्मी दारू पी रखी है इन्होंने। या खुदा, जुनैद तुमने दारू पी है? हाँ पी रखी है मैंने दारू। दिन रात काम करता हूँ, थक जाता हूँ, थोड़ी दारू पी ली तो कौन सा पहाड़ टूट गया। कुछ पूछना है तो अपनी इस बेटी से पूछिए, दिन रात फोन पे चिपकी रहती है, पूछिए इससे अपने कौन से यार से बात करती है दिन रात, पूछिए जरा अपनी बेटी से। फरा खाना लेके आ, भूख लगी है मुझे। अरे असलम तुम आओ ना अंदर आओ। आंटी है, अबू ने भेजा है कुछ काम है उनसे इसलिए। नहीं अम्मी तो मार्केट गई है। तो फिर मैं बाद में आता हूँ। असलम अम्मी आती होंगी तो 2 मिनट रुक जाओ ना। ठीक है मैं यही वेट कर लेता हूँ। अनीशा तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ।
साले तेरी इतनी हिम्मत, तू फिर से यहाँ पे आ गया? अब समझा तूने बुलाना इसे यहाँ पे? हाँ, तेरे पास फोन नहीं रहा तो तूने इसे घर पे डायरेक्टली बुला लिया? तुम दोनों मेरे पीठ के पीछे यहाँ। भाईजान आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो उसी दिन सबक सिखाना चाहिए था। जुनैद होश में तो है, तुम कर क्या रहे हो? चल अंदर। अनीशा चल अंदर, तुझसे तो बाद में निपटूंगा, बात कर लूं, बहुत आशी की चढ़ी है। भाईजान छोड़ दीजिए वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। हाथ उठाएगा मुझ पे? हाथ उठाएगा? साले निकल जा वरना इतना मारूंगा तेरा बाप भी नहीं बचा पाएगा तुझे। असलम के बिना जिया नहीं जा रहा तुझसे है? पहले फोन था तो दिन भर फोन पे लगी रहती थी उसके साथ, फोन नहीं है तो तुझे घर पे बुलाने लग गई। जैसा तुम सोच रहे हो कुछ भी नहीं है। काका कुछ नहीं है, मैं पागल हूँ ना, मुझे दिखता नहीं घर पे क्या चल रहा है, दिख नहीं रहा मुझे, मेरा प्यार कम पड़ गया तो तुझे बुलाने लग गई घर पे। चल रूम में चल, तुझे पता मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम दूर रहो मुझसे। कहीं नहीं जाएगी, असलम को बुला दूं तब चलेगी? हाँ रूम में नहीं जाना ठीक, यहीं करते हैं। यही जुनैद नहीं, जुनैद नहीं, नहीं प्लीज जुनैद, जुनैद नहीं प्लीज, जुनैद प्लीज नहीं। अनीशा, अनीशा बेटा, या खुदा क्या हो गया बेटा, मेरी बच्ची बता तो सही, ये क्या हाल बना के रखा है? क्या घूर रही हो फूफी? बहुत चर्बी चढ़ गई थी इसको, उतार दी। अपने यार असलम के साथ इस घर में नैन मटक्का कर रही थी ये, ऐसा मजा चखाया है, जिंदगी भर याद रखी। ए फूफी निकल यहां से, निकल, चल निकल यहां से। क्या कर रही है फूफी तू? बहुत दिनों से तेरा ड्रामा देख रही थी, लेकिन तूने तो हैवानियत की हद पार कर दी। क्या बोल रही है फूफी तू? सही बोल रही। अरे तुझ पर तरस खा करके मैं तुझे इस घर में लेके आई, लेकिन तू तो एक नंबर का नालायक निकला है। ना तो इस घर के लायक है और ना ही मेरी बच्ची के लायक। निकल जा तू, मैं कह रही हूँ निकल जा तू, दफा हो जा और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। चल चल निकल निकल। ए, अरे मुझे भी तुम लोग की कोई जरूरत नहीं है। एक तो सालों के खर्चे उठाओ, ऊपर से नखरे भी सो। अनीशा बेटा, अनीशा बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ
ले, ले अनिशा ये पानी, इधर आ मेरी बच्ची, पानी पी, पानी पी। अनिशा तू माँ बनने वाली है, अम्मी मैं तो कहती हूँ कि जुनैद को वापस बुला लो। कभी नहीं, उस हराम कोर को मैं अपने घर में कभी आने नहीं दूंगी। निकाह से पहले उसने तेरे साथ कितनी ज्यादतियां की, जुल्म किया, और अगर निकाह हो जाएगा तो वो तेरी जिंदगी को जहन्नुम बना देगा। असलम बहुत ही नेक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, उस जैसा लड़का नहीं मिलेगा बेटा। अरे रानी बना के रखेगा तुझे। मैं आज ही शकील भाई के घर जाऊंगी और तुम्हारे और असलम के रिश्ते के बारे में बात करूंगी। पर अम्मी नहीं, मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम्हें तुम्हारे मरे हुए अब्बू का वास्ता, जो तुमने शादी से मना किया। मैं आपसे माफी मांगती, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं असलम का रिश्ता ठुकरा करके उस नालायक से रिश्ता करने चली थी। चार पैसे क्या कमाने लगा कि अपनी औकात दिखा दी, हर एक घर में शराब पी करके फसाद करने लगा। मैंने भी उसे घर से निकाल दिया। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अनिशा ने उसे अपने पास भी नहीं आने दिया, नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचती। भाईजान मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ और मेरी बच्ची का निकाह असलम के साथ करवा दीजिए। बाजी देखिए, आप हाथ मत जोड़िए, हमें अनिशा को अपनाने में कोई एतराज नहीं, क्यों असलम? जी अब क्या बात करनी थी तुम्हें? निशा तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? हाँ, क्योंकि मैंने देखा तुम हमारे रोके में भी खुश नहीं थे और तुम अभी भी उदास हो। असलम मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और मुझे शादी से कोई एतराज भी नहीं है, पर शादी से पहले तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है। अनिशा बोलो ना, क्या सच? मैं माँ बनने वाली जुनैद बच्चे की। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, कि तुम्हें कल ही जाकर ये बच्चा अबॉर्ट कराना पड़ेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं असलम, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी, तुम्हें मुझे और इस बच्चे को साथ अपनाना होगा। देखो अनिशा, अपनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, मैं तुम्हें कल सुबह तक का वक्त दे रहा हूँ। तुम सोचो और मुझे बताओ कि तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ अच्छी जिंदगी बितानी है या फिर इस बच्चे के साथ एक जिल्लत वाली जिंदगी। तुम्हारा फोन मिल सकता है 2 मिनट के लिए प्लीज? मैं बस अभी आई। हेलो। हेलो जुनैद, मैं बोल रही हूँ। अनिशा अब क्यों कॉल किया है मुझे? सुना तेरा रिश्ता तय हो गया उस असलम के साथ, यही तो चाहती थी ना तू? हम एक बार मिल सकते हैं प्लीज? क्यों, और जलील करना है मुझे? ना? मुझे नहीं मिलना तुझसे, और वैसे भी कल सुबह की ट्रेन से मुंबई जा रहा हूँ मैं। और हाँ, अपनी अम्मी को कह देना कि आज के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा उन्हें। नहीं नहीं जुनैद, तुम्हें खुदा का वास्ता प्लीज ऐसा मत करो,
तुम्हें मामू का वास्ता है, बस एक बार मिलने आ जाओ, फिर कभी नहीं बोलूंगी मिलने के लिए, प्लीज एक बार। बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। तुम ये काम करो, मुझे भी अपने साथ मुंबई ले चलो, मुझे नहीं करनी उस असलम से शादी। ये क्या बोल रही है तू, ये तुझे तो खुश होना चाहिए। नहीं सुने, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूँ। बकवास बंद कर ये सब, और वैसे भी सुबह मैं मुंबई निकल जाऊंगा, सिर्फ ये आखिरी रात है हमारे पास, मजे लेने तो ले, मूड खराब मत कर। चल कपड़ों उतार। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम बाप बनने वाले हो। मिलने के आ गया, सर पर चढ़ी जा रही है, मेरा बच्चा तेरे पेट में। जुनैद तुम्हारा नहीं होगा तो और किसका होगा? क्यों, उस असलम का नहीं हो सकता? उसके साथ भी तो सोई है ना तू। खुदा से डरो जुनैद, असलम ने आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगाया। वाह, बहुत पाक साफ बन रही है मेरे सामने, इस नाजायज बच्चे को मेरे सर पे डालना चाहती है। अरे मैं पागल हूँ जो तुझ जैसी लड़की से निकाह करूंगा? हाँ अगर मजे लेने हैं तो बोल, थोड़े तू लेना, थोड़े मैं ले लूंगा। तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ अच्छी जिंदगी बितानी है, या फिर इस बच्चे के साथ एक जिल्लत वाली जिंदगी? ये नाजायज बच्चे को मेरे सर पे डालना चाहती है। अरे मैं पागल हूँ जो तुझ जैसी लड़की से निकाह करूंगा? अनिशा